नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा आज बताने आई हूँ कुछ काम की बातें। काम की बातों में मैं आपको दूंगी कुछ ब्यूटी और हेल्थ टिप्स। मित्रों, गर्मी आ रही है या यूं कहूँ कि आ ही चुकी है, ऐसे में बहुत अवेयर रहना होगा हेल्थ के लिए। फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड ही खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, और यदि खाना ही है तो अच्छी जगह का क्वालिटी फूड ही खाएं। पानी खूब पिए, शाम के समय हैवी फूड अवॉइड करें, लेकिन बिल्कुल भूखा भी नहीं रहे, नहीं तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। थोड़ा थोड़ा लाइट फूड और न्यूट्रिशियस फूड खाते रहे। अब बात करती हूँ ब्यूटी टिप्स की। एलोवेरा जेल फेस पर लगा सकते हैं, रात को फेस साफ करके लगाकर एलोवेरा जेल सो जाएं और फिर सुबह को वॉश कर ले फेस को। कच्चे दूध में नमक डालकर फेस पर लगाएं और फिर जब वो सूख जाए तो उसे रगड़कर साफ करके पानी से फेस को वॉश कर ले। इसके अलावा नीम की पत्तियां पीसकर मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगाएं और ड्राई होने पर फेस वॉश कर ले। स्किन भी ग्लो करेगी आपकी और पिंपल्स भी दूर होंगे इससे। इसके अलावा एक और टिप है सेम काम के लिए, और वो है दही में थोड़ी सी बूंदे शहद की डालकर मिलाकर लगा ले और उसे भी कुछ देर के बाद फेस वॉश कर ले। लगाने के थोड़ी देर बाद फेस वॉश कर ले, इससे भी आपकी स्किन अच्छी रहेगी और दही से स्किन की टैनिंग भी दूर होती है। जायफल घिसकर फेस पर लगाने से भी पिंपल्स दूर होते हैं। कच्चा आलू कद्दूकस करके फेस पर लगाने से भी स्किन अच्छी होती है। रात को सोने से पहले फेस वॉश करके उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा ले फेस पर, तो ये भी आपकी स्किन को साफ रखता है, ग्लो होती है स्किन और पिंपल्स भी दूर हो जाते हैं। स्किन को क्लीन करता है और स्किन की ग्लोरी भी बढ़ाता है। टमाटर, खीरे का रस, गुलाब जल, नींबू की कुछ ड्रॉप्स मिलाकर फेस पर लगाएं, ये भी फेस की क्लींजिंग की तरह से काम करता है। तुलसी वे पुदीने की पत्तियों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीस ले और फेस पर लगा ले और फिर कुछ देर के बाद फेस वॉश कर ले। इसके अलावा जामुन की गुठली को पानी में घिसकर लगाने से भी चेहरे से फुंसी, पिंपल्स वगैरह दूर हो जाते हैं। और इसकी गुठली का चूर्ण जामुन की गुठली का चूर्ण बनाकर खाने से पेट भी ठीक रहता है। इसके अलावा यदि किसी को दाद की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक स्किन डिसीज है, उस पर इमली के बीज जो आते हैं, इमली, खट्टी इमली, जिसे नॉर्मली गर्ल्स और फीमेल्स खाना पसंद करती हैं, उसके बीज पानी के साथ घिसकर लगाने से भी वो दूर हो जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, स्पाइडर हमारी स्किन पर चल जाए एनी हाउ सफाई करते समय, तो उससे भी एक एलर्जी सी हो जाती है। उसे सही करने का तरीका है अमचूर पाउडर, यानी कि जिसे हम खटाई बोलते हैं, उस पर यदि लगा दिया जाए सूखा पाउडर, तो उससे भी वो एलर्जी जो स्पाइडर के वहां पर आने से हो जाती है वो भी दूर हो जाती है एलर्जी। अप्लाई ऑल दीज टिप्स एंड कीप योरसेल्फ फिट। हेल्थ और ब्यूटी दोनों है ईश्वर के अनमोल वरदान, इसलिए रखिए इनका खास ख्याल। याद रखिए, आवर बॉडी इज द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यू कैन से। हमारी आत्मा ईश्वर का ही अंश है, अर्थात ईश्वर हमारे अंदर ही है और हमारी बॉडी एक टेम्पल है हमारे ईश्वर के लिए, हमारी सोल के लिए। तो इसीलिए इसका रखिए खास ख्याल। बाकी बातें अगले एपिसोड में, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए मेरे टिप्स आपके कितने आए काम।